तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप लोग अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से जो है आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी जगह उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप लोग सबसे पहले जो है वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है तो ये जो है पूंजीगत प्राप्ति है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दो नंबर दिया गया है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है तो ये जो है स्थिति विवरण में दिखाई जाती है तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है आयगत प्रकृति की सभी मदद दिखाई जाती है, आयगत प्रकृति की सभी मदद दिखाई जाती है तो ये जो है यहाँ पर IBA खाता में जो है दिखाई जाती है तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो है यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, यहाँ पर आप लोग फटाफट से देखते चलिए क्योंकि इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम में जो है आप लोग को बताएंगे तो यहाँ पर काफ़ी जो है आप लोग को समय जो है यहाँ पर वेस्ट होंगे। तो यहाँ पर जो है फटाफट से जो है आप लोग सारा का सारा आंसर जो है सेम है आप लोग देखते चलिए यहाँ पर फटाफट से। तो यहाँ पर फोर नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन आय नहीं है, निम्न में कौन आय नहीं है तो ये जो है एंडोमेंट निधि जो है यहाँ पर आय नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर फाइव नंबर क्वेश्चन है लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है तो ये जो है यहाँ पर समाज की सेवा करना होता है तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है तो ये जो है आयगत प्राप्ति है तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर सात नंबर क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है तो ये जो है समस्त प्राप्ति एवं भुगतानों का है तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आठ नंबर क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है तो ये जो है पुराने लाभ हानि अनुपात में जो है हस्तांतरित किया जाता है तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर नौ नंबर क्वेश्चन है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है तो क्या होता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दस नंबर क्वेश्चन है निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं कि सिवाय, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है यानी कि ग्राहकों की स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक संपत्ति है तो ये जो है मूल्यवान संपत्ति है तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो ये जो है यहाँ पर जो है लाभ में हिस्सा पाने के लिए जो है दी जाती है तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में जो है बांटी जाती है तो ये जो बांटी जाती है यहाँ पर त्याग अनुपात में तो राइट आंसर आप लोग को जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 नंबर यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाता है तो ये जो है यहाँ पर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है तो ये जो है पूंजी पर ब्याज से जो है क्रेडिट किया जाता है तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है तो ये जो है यहाँ पर साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की जो है गणना की जाती है तो राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए तो कितना परसेंट ब्याज मिलना चाहिए तो 6% यानी कि जो है 17 का बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है, साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है तो ये जो है व्यक्तिगत खाता है तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर डाउट नट आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT-JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही
रहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु की तिथि तक फॉर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियाँ कौन कौन सी है? तो ये जो है यहाँ पर जो है ए एवं बी दोनों के आधार पर है, यानी कि समय के आधार पर एवं विक्रय के आधार पर। राइट आंसर सी सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, असूली व्ययों को नकदीकरण खाते के किस पक्ष में जो है लिखा जाता है? तो ये जो है डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर असूली खाते में क्रेडिट किया जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम जो है भुगतान किया जाएगा? तो ये जो है यहाँ पर बाहरी लेनदारों का जो है भुगतान किया जाएगा, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है? तो ये जो है यहाँ पर कौन सी खाता है? तो असूली खाता है, तो राइट आंसर 23 का बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24 नंबर है, साझेदार द्वारा असूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा साझेदार के पूंजी खाता में, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा असूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है? ऐसे व्ययों को जो है साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, तो राइट आंसर जो है क्या सही है? तो बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 26 नंबर है, निम्न में से किसे जो है असूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो ये जो है इनमें से सभी को, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे, तो क्या दर्शाएंगे? तो ये जो है असूली खाते के नाम पक्ष में जो है यहाँ पर दर्शाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए सही है, असूली खाते के नाम पक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का हरण किया जा सकता है, अंशों का हरण किया जा सकता है, तो मांग राशि का भुगतान ना करने पर अंशों का हरण किया जा सकता है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है? तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो याचित पूंजी, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 30 नंबर है, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है? तो ये जो है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए जो है किया जा सकता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर, यदि 10 रुपये वाला प्रति समता अंश 12 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे जो है अधिमूल्य पर निर्गमन कहा जाता है, तो राइट आंसर जो है 20। 32 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को जो है डेबिट किया जाता है? तो खियाती खाता को, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, तो ये जो है विद्यमान अंशधारियों का जो है अधिकार अंश जो है निर्गमित किए जाते हैं, तो राइट आंसर सी सही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 नंबर, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है? तो प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को जो है कहा जाता है अयाचित पूंजी, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 35 नंबर, अंश आवेदन खाता है, अंश आवेदन खाता है, तो अंश आवेदन खाता व्यक्तिगत खाता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 36 नंबर है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 37 नंबर है, समता अंशधारी होते हैं, समता अंशधारी होते हैं, तो समता अंशधारी जो है यहाँ पर कंपनी के जो है यहाँ पर स्वामी होते हैं, तो राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, तो यहाँ पर जो है सीमित होता है, एक कंपनी में जो है सदस्यों का दायित्व जो है यहाँ पर सीमित होता है, तो राइट आंसर ए सही। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं, तो इसे जो है यहाँ पर वाहक ऋण पत्र कहे जाते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए जाने वाला जो है बाटा किस प्रकृति का होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर पूंजीगत हानि होता है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 41 नंबर है, साधारणतया ऋण पत्र होते हैं, साधारणतया ऋण पत्र होते हैं, तो ये जो है सुरक्षित होते हैं, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 42 नंबर है, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, तो ये जो है यहाँ पर दायित्व है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 43 नंबर है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, ऋण पत्रों का शोधन किया
जा सकता है। तो ये जो है इनमें से सभी को जो है यहाँ पर ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, जैसे में लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से। राइट आंसर डी सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, शोधन कोष विनियोग है, शोधन कोष विनियोग है, तो ये जो है आय है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 45 नंबर है, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे बाटा पर, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 46 नंबर है, सीकिंग फंड एक हिस्सा है, सीकिंग फंड एक हिस्सा है संचय एवं अधिकाय को, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष कौन से है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी है, जैसे में प्रबंधक, वित्तीय संस्था, लेनदार, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा, तो राइट आंसर बी सही है 48 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है, तो ये जो होती है यहाँ पर सकल लाभ होती है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में कौन सी जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को पूंजीकरण विधि, तो राइट आंसर डी सही है। तो यहाँ पर मैं जो है फटाफट से एक से लेकर यहाँ पर 50 तक जो है आप लोगों को करेक्ट आंसर जो यहाँ पर बता दिए, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।